जी टू आज तुम्हें कुछ नए शब्द पढ़ा रहा हूँ हाँ की सॉरी बारह खड़ी बारह खरी बच्चों ये जो ओ आ छोटी ई बड़ी ई बड़ा ऊ री ए आई ओ अंग और अ ये स्वर वर्ण जो है ठीक है स्वर वर्ण और ये है मात्रा उसकी मात्रा को लिख रहा हूँ ओ का कोई मात्रा नहीं होता है ठीक है आ का मात्रा होता है ऐसा ताग छोटाई का मात्रा होता है इस तरह से बड़ाई का मात्रा होता है इस तरह से छोटा की मात्रा इधर है बड़ाऊ की मात्रा इधर है री की मात्रा सी के तरह ठीक है बच्चों एक की मात्रा सिरोरेख के ऊपर एक उंगली के तरह ठीक है आई की मात्रा सिरोरेख के ऊपर दो उंगलियाँ ओ की मात्रा में सिरोरेख के ऊपर में एक एक डंडा एक उंगली मतलब ये की मात्रा ऐसा ठीक है और एक उंगली औ की मात्रा में एक डंडा और दो उंगली ठीक है बच्चों अंग की मात्रा में सिरोरेख के ऊपर एक अंग और आह मतलब विषर् की मात्रा में शब्द के सामने दो ऐसे बिंदा जिसको दो रसगुल्ला भी कहते हैं क्लास में ठीक है बच्चों तो इसी पे इसी पे आधारित तुम्हारा बारह खड़ी बनती है ठीक है अब मैं तुम्हें क का बारह खरी मतलब मात्राएं लगाओ खड़ी लिखो कौ, कौ में आ की मात्रा का में आ की मात्रा बा रो, हो, बार, खो, बरा, रो में बराई की मात्रा खरी बारा खरी मौ में आ की मात्रा त्र में आ की मात्रा ए ऊपर चंद्र बिंदु मात्राएं ल ग में आ की मात्रा गा ओ लगाओ यानी लिखो ल में छोटाई की मात्रा ली ख में मात्रा खो लिखो बच्चों, मैंने ऊपर भी लिख दिया तुम्हें ब में आ की मात्रा रड़ाई की मात्रा ली बारह खड़ी अब मैंने लिख दिया शौव संयुक्त र स्वर व और ये मूर्धंत मृदंत नौ रिफ वर्ण स्वर वर्ण कौन कौन सा होता है अ आ छोटाई बड़ाई ठीक है बच्चों छोटाऊ बड़ाऊ री उसका मात्रा क्या होता है अ का कोई मात्रा नहीं होता है आ का मात्रा ऐसे डंडा वाला होता है छोटाई का मात्रा ऐसे करके और इधर से ऐसे बड़ाई का मात्रा ऐसे करके ऐसे करके छोटाओ की मात्रा ऐसे ठीक है बड़ा हो की मात्रा उधर री का मात्रा सी के तरह फिर यहाँ देखो स्वर वर्ण लिखा हुआ सौ वर व मूर्धंत नोरे वर्ण क्या क्या है ए आई ओ ओ अंग ठीक है तो इसके मात्रा क्या है एक सिरोडिक जो होता है ये दाग जो उसको बोलते हैं सिरोडिक इसके ऊपर एक लाइन एक, एक उंगली की तरह मतलब एक की मात्रा सिरो के ऊपर दो मैंने आई की मात्रा सिरो के ऊपर एक डंडा और एक उंगली ओ की मात्रा सिरो के ऊपर में एक डंडा और दो उंगली की मात्रा हो गया शिरोख के ऊपर में एक अंशवार ठीक है थोड़ा इसको अलग से लिख देते हैं यहाँ लिख देते हैं ये डंडा के ऊपर एक, एक अंश ठीक है जिसको अनुनासिक भी बोलते हैं इस दोनों को अनुनासिक भी बोलते हैं बच्चों नाक से जब किसी शब्द का उच्चारण करते इसका प्रयोग होता है और अंग का मात्रा यानी विसर्ग का मात्रा में किसी अक्षर के सामने दो बिंदा ठीक है इसके साथ मैं बाद में कराऊंगा तो मैं इसके क्या क्या शब्द बनता उसका भी एक चार्ट दूंगा ऐसे ही बना के बाद में ठीक है अच्छा ठीक है तो अभी हम लोग सबसे पहले बारह खड़ी पर ध्यान देते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं गिनकर बारह क लिखते हैं कितना क बच्चों बारह क लिखेंगे सबसे पहले ठीक है कितना हुआ एक दो तीन चार पाँच छः हो गया और फिर और सात और और लिखते हैं टोटल बारह होना चाहिए ठीक है क्या लिखा बोलो तो कौ कितनी कौन देखो गिनो तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एवन ट्वेल्व ठीक है अब इसमें ये मात्रा तुम्हें लगाना है तो सबसे पहले हम कौन सा मात्रा लगाएंगे आ की मात्रा तो इस कौ के ठीक सामने लगा दीजिए ऐसा डंडा लगा दीजिए आ की मात्रा आ की मात्रा है ना तो क्या हो गया यहाँ आ हुआ तो ये तो कॉ में लगेगा यह तो क्या हो जाएगा का क्या हो जाएगा कॉ में आ की मात्रा का कौ में आ की मात्रा का अब दूसरा वाला क्या है आ के बाद क्या होता है छोटाई तो छोटाई की मात्रा ऐसा होता है तो इधर से लगाइए ठीक है अब इसको पढ़िए कौमी छोटी इ की मात्रा की सही अर्थों में ये हर्ष इकार है मतलब छोटी इ की मात्रा का मतलब हुआ इसके उच्चारण में कम शब्द लगता है ठीक है और इसको पढ़ते हैं कौमी छोटी इ की मात्रा की ठीक है इसके उच्चारण में कम समय लगेगा हर्ष इकार हर्ष मतलब शॉर्ट ठीक है अब आगे देखिए कौमी छोटा छोटाई के बाद क्या हुआ बड़ाई ये बड़ाई का मात्रा ऐसा होता है तो ऐसे लगाइए बड़ा बड़ाई की मात्रा इसे दीर्घ ईकार की मात्रा कहते हैं हिंदी में असलियत में बड़ाई छोटाई नाम का कुछ नहीं होता है इसे दीर्घ दीर्घ मतलब होता है लॉन्ग ठीक है कौमे बड़ा ई की मात्रा की इसके उच्चारण में जितना समय लगेगा ठीक इससे डबल इसमें लगेगा ठीक है बच्चों इसलिए मात्रा भार भी अलग अलग होता है कॉ में बड़ा ई की मात्रा की इसको बोलने में तुमको स्ट्रेस देना पड़ेगा और जोर देना पड़ेगा इसमें लंबा समय लगेगा ठीक है अब छोटाऊ की मात्रा बड़ाई की बाद छोटा छोटा छोटाऊ की मात्रा तो इसमें लगा ये छोटाऊ की मात्रा में छोटा ऊ की मात्रा कु अब इसमें कम समय लगेगा लेकिन इसमें इस कॉ में बड़ा ऊ लगेगा देखो ये बड़ा ऊ छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ इसमें ज़्यादा समय लगेगा इसका ठीक डबल ज़्यादा लगेगा इसको भी हर्ष उकार और दुर्घ उकार बोलते हैं इसमें छोटा समय इसमें ज़्यादा समय में बड़ा ऊ की मात्रा कू ठीक है बच्चों उसके बाद री की मात्रा लगाइए में री की मात्रा क्री में री की मात्रा क्री ठीक है अब इधर आते ए की मात्रा लगाना ऐसा लगाना है इस क के ऊपर में ए की मात्रा के ठीक है एक की बात क्या होगा आई की मात्रा तो क्या होगा कौम आई की मात्रा कई कौम आई की मात्रा कई अब आई की बात क्या है बच्चों ओ की मात्रा फिर लगाइए एक डंडा और एक उंगली कॉमे ओ की मात्रा को कौम ओ की मात्रा को ओ की मात्रा के बाद क्या होता औ की मात्रा कमे औ की मात्रा कौ कम औ की मात्रा कौ ठीक है अब ये देखिए ये अंग औ के बाद अंग की मात्रा है। ऊपर लगाइए अनुनासिक को क अंश्वार कंग कंशवार कंग ठीक है और लास्ट में विसर्ग की मात्रा क विसर्ग कह क विसर्ग कह मैं फिर से पढ़ाता हूँ तुम्हें देखो में आ की मात्रा का में छोटा ई की मात्रा की कमे बड़ा ई की मात्रा की कौमे छोटा ऊ की मात्रा कू कमे बड़ा ऊ की मात्रा कु री की मात्रा क्री कमे ए की मात्रा के कमे ऐ की मात्रा कई कमे ओ की मात्रा को कमे औ की मात्रा कौ कविशर्क कमे आ की मात्रा का कमे आ की मात्रा का कौमी छोटा ई की मात्रा की कमे छोटा ई की मात्रा की कौमे बड़ा ई की मात्रा की कौमे बड़ा ई की मात्रा की कमे छोटा ऊ की मात्रा कु कमे छोटा ऊ की मात्रा कु कौमे बड़ा ऊ की मात्रा कु कौमे बड़ा ऊ की मात्रा कु री की मात्रा क्री री की मात्रा क्री कामे एक की मात्रा के कमे एक की मात्रा के कामे ऐ की मात्रा कई कामे ऐ की मात्रा कई कामे ओ की मात्रा को कामे ओ की मात्रा को काम औ की मात्रा कौ कमे औ की मात्रा कौ क्वार कं कंश्वार क विशर्क ठीक है बच्चों अब इसको तुमको मैं होमवर्क के रूप में दूंगा जिसको तुम्हें घर में लिखना है कौका बाराखड़ी खड़ी लगाओ ठीक है यानी कॉ का बारह खड़ी लिखो ठीक है मैं बता देता हूँ आज मैं लिख देता हूँ उसके बाद से नहीं लिखूंगा तुम्हें लिखना पड़ेगा बारह ट कौ लिखना है एक दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बच्चों मैंने बारह कॉल लिख दिया है फिर से मैं देखता हूँ गिनता हूँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह जैसा मैंने इसमें मात्रा लगाया देखो ये आ की मात्रा छोटाई का मात्रा बड़ाई का मात्रा छोटाऊ की मात्रा बड़ाऊ की मात्रा री का मात्रा ए की मात्रा आई की मात्रा ओ की मात्रा औ की मात्रा अंक की मात्रा अह की मात्रा ये सारे मात्रा तुमको यहाँ लगाना है लगा के तुम्हें पढ़ना है मैंने जैसे पढ़ा कौम आ की मात्रा का कौम छोटा ई की मात्रा की कौम बड़ा ई की मात्रा की कौम छोटा ऊ की मात्रा कु कौमी बड़ा ओ की मात्रा कू कौम री की मात्रा क्री कौमी ए की मात्रा के कौमी ऐ की मात्रा कई कौमी ओ की मात्रा को कौम औ की मात्रा कौ कंशार का कंग क विशर्कह फिर से पढ़ देता हूँ कौमी आ की मात्रा का उसी तरह से ख में जो लगेगा तो खा हो जाएगा गौ में लगेगा तो गा हो जाएगा घ में लगेगा तो घा हो जाएगा मैं बाद में तुम्हें दूंगा और भी ख पर बारह खड़ी देखने के लिए गौ पर घ पर ठीक है में आ की मात्रा का छटा ई की मात्रा की में बड़ा ई की मात्रा की की में छटा ऊ की मात्रा कु में बड़ा ऊ की मात्रा कु में री की मात्रा क्री में ए की मात्रा के में ऐ की मात्रा कई में ओ की मात्रा को में औ की मात्रा कौ क अंग स्वर कंग क विसर्ग बच्चों ये होमवर्क करना है और साथ साथ मम्मी पापा का बात मानना है और कहीं बाहर घूमने फालतू तो नहीं जाओगे ठीक है थैंक यू हैव ए नाइस डे